नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की, हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं वो तमाम खबरें जिन्हें अखबारों ने प्रमुखता से छापा है और उनकी सुर्खियों के बारे में हम चर्चा भी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है, नए सदस्यों की शपथ से इसकी शुरुआत की जाएगी। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस सत्र में नए संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी के 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो सांसदों को शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं किए जाने पर विपक्षी दल नाराज है। लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर इस सत्र के दौरान हंगामा होने की संभावना है। राष्ट्रपति भवन में सोमवार को सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेहताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगी। बिल्कुल, देखिए तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और नए सदस्य जो हैं उन सभी को शपथ ग्रहण कराई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी कि महामहिम की अध्यक्षता में उन्हें शपथ ग्रहण कराई जाएगी। प्रोटेम अध्यक्ष पर विरोध दर्ज कराने के साथ पर्चा लीक मामले में विपक्ष आज हमला बोल सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आज अगर हम बात करें तो कई ऐसे नव निर्वाचित सांसद हैं जिन्हें शपथ ग्रहण कराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए आज से शुरुआत हो रही है संसद सत्र की और इसको लेकर देखिए तमाम तैयारियां तो की ही गई हैं। और देखिए इसके साथ साथ अलग अलग हेडलाइंस के साथ इस खबर को छापा गया है। दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है, लोकसभा सत्र आज से सरकार और विपक्ष में टकराव के आसार। तो ये आपने देखा है कि सत्र की शुरुआत जब होती है तो देखिए ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, उस दौरान सरकार और विपक्ष में आपस में कई मुद्दों को लेकर टकराव देखने को मिलता है। यहाँ पर नई जंग छिड़ गई है स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर, हम जिस तरह से देख रहे हैं। पहले दो दिन जो तमाम नव निर्वाचित सांसद हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और उसके साथ ही सत्र की शुरुआत जो है वो होनी है। इसके साथ साथ विपक्ष ने एक मुद्दा उठा लिया है प्रोटेम स्पीकर को लेकर। देखिए उनका कहना था कि प्रोटेम स्पीकर हमारा होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब इसको लेकर ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी सरकार से टकराव के पूरे मूड में है विपक्ष। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 7 बार के जो सांसद रहे हैं मेहताब, उन्हें प्रोटेम स्पीकर यानी फिलहाल के तौर पर तो अस्थायी तौर पर ये माना जा रहा है कि वो लोकसभा अध्यक्ष होंगे, उन्हें नियुक्त किया गया है और वो सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल, देखिए चारुल, और ऐसे में अगर हम एनडीए की बात करें तो सहयोगी दल जितने भी है उन सभी ने बीजेपी को फ्री हैंड दे दिया है कि लोकसभा स्पीकर जो है वो जो भी हो भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार चुन सकती है। हालांकि इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि टीडीपी जो है लोकसभा स्पीकर के पद की मांग कर रही है। ऐसे में अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो देखिए विपक्ष की ओर से भी जो लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हमें भी अब उपाध्यक्ष का पद जो है वो मिलना चाहिए। और कांग्रेस की ये जो मांग है इस पर क्या वाकई सत्ता पक्ष की ओर से कोई फैसला आ पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपाध्यक्ष पद की जब मांग की जा रही है यानी कि डिप्टी स्पीकर की जब मांग विपक्ष कर रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी काफी मजबूत भूमिका में नजर आने वाला है चारुल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ अगर हम देखें तो एक मुद्दा और है यानी परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई है इसे लेकर ये माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर रहने वाला है। और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है देखिए कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से कहा जा सकता है कि प्रदर्शन चल रहे थे छात्रों की ओर से, अब ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब से तेजस्वी यादव के पीएस का नाम इस पूरे मामले में आया है यानी नीट में जो गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं जो हुई हैं, उसके बाद से विपक्ष हमलावर तो है लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है। तो क्या जब सरकार से सवाल किए जाएंगे तो आरजेडी की कार्यशैली जो रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे, यानी सरकार भी पूरे मूड में है जवाब देने के। लेकिन अब सदन में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और 3 जुलाई तक सदन चलेगा। चले खबरों में बढ़ते आगे, जहां सीबीआई ने संभाली है नीट यूजी की जांच। जी हां, सीबीआई ने अब जांच संभाल ली है, केंद्रीय एजेंसी की ओर से लगातार जांच जो है वो अब की जाएगी। और सीबीआई ने 5 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा को लेकर
जांच की और जांच के बाद एक जो केस है वो दर्ज किया गया है और साथ ही साथ कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी जो है जो एक केस दर्ज करने की बात हम कर रहे हैं वो की गई है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। केंद्र द्वारा एजेंसी को परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच सौंपने की घोषणा के एक दिन बाद ये प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी संदर्भ के आधार पर CBI ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। बिल्कुल, देखिए तो कहा जा सकता है कि CBI ने जांच जो है नीट की वो संभाल ली है और इसके साथ साथ UG नेट की जांच भी की जाएगी। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जिस तरह से लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं, इससे पहले हम पेपर लीक को लेकर भी देखते थे कि छात्र प्रदर्शन करते थे। फिलहाल अगर हम नीट की बात कर लें या फिर UG नेट की बात कर लें तो उसमें अब ये क्लियर हो गया है कि CBI को सरकार की ओर से जाँच सौंप दी गई है। मेडिकल में प्रवेश की सबसे बड़ी परीक्षा है नीट, जिसके लिए हमने देखा कि किस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया, चाहे ग्रेस मार्क्स देने को लेकर हो या फिर जो अनियमितताएं पाई गई थी, क्योंकि ये तक क्लियर हो गया है, आरोपियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें एक रात पहले बकायदा क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था, आंसर शीट दे दी गई थी, आंसर्स रटवाए गए थे और उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया, यानी कहीं ना कहीं एक लूप होल जो है वो पता चल रहा है। बिल्कुल, देखिए और ना केवल नीट UG बल्कि PG यानी कि मेडिकल के परीक्षा को भी रद्द किया गया और अगला स्केड्यूल जो है, तारीख जो है उसका ऐलान आधिकारिक वेबसाइट पर कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तारीखों का ऐलान अभी तक नीट PG को लेकर नहीं हुआ है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां नीट पेपर लीक मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट केंद्र को भेज दी गई है। तो देखिए लगातार मामले की जांच की गई और एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसके आधार पर ये तय होगा कि आखिर मामले में सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ है और इस मामले की जांच लगातार अब भी की जा रही है। CBI खुद इस मामले की जांच कर रहा है, हालांकि इसके तार जो है अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। फिलहाल बिहार का नाम सामने आया, लेकिन गुजरात का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। देखिए बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के एक उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में कई लोग शामिल हैं और जांच के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्य की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जांच की स्थिति रिपोर्ट शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है। साक्ष्य दिल्ली स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला को भेज दिए गए हैं और आर्थिक अपराध इकाई की टीमें मामले से जुड़ी फाइलों की तलाश कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए और इसमें साफ कहा गया कि स्टेटस रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजा गया उसमें इन तमाम बातों का जिक्र है कि आखिर किस तरीके से धांधलीबाजी हुई है, कहाँ क्या लूप होल रहा NTA का या फिर एग्जाम सेंटर्स पे जो भी ये सॉल्वर गैंग एक्टिव होते हैं छात्रों को क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने से लेकर आखिर क्वेश्चन पेपर लेट जब पहुंचा था सेंटर पर तो उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए। NTA का साफ कहना था कि क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचे इसलिए ग्रेस मार्किंग जो है वो की गई है। अब इसको लेकर भी विवाद हुआ और फिलहाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट जो है वो जरूर सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए चार राज्य चंडीगढ़ में आयोजित नीट पुनः परीक्षा में 1563 में से 750 अभ्यर्थी दरअसल शामिल ही नहीं हुए हैं। स्नातक स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट UG की पुनः परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र 1563 उम्मीदवारों में से केवल 813 यानी लगभग 52% ने रविवार को परीक्षा दी। अन्य 750 उम्मीदवार यानी जो कि लगभग 48% है वो अनुपस्थित रहे। 3.5 घंटे की परीक्षा छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और मेघालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 7 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़, हरियाणा, मेघालय में जो
पेपर आयोजित किए गए। गुजरात, ये चार ऐसे राज्य थे जहां पर पेपर आयोजित किए गए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं डाली गई थी, जिसमें से एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एनटीए जो कि एग्जाम आयोजित कराता है, एनटीए की ओर से साफ कहा गया था कि हम 23 जून को री एग्जाम कराएंगे और 23 जून को 1563 वो परीक्षार्थी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका री एग्जाम होगा। लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि जिन चार राज्यों में री एग्जाम कराए गए, यहां पर 1563 परीक्षार्थियों में से 750 ऐसे परीक्षार्थी थे, ऐसे छात्र थे जो एग्जाम यानी कि री एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंचे तक भी नहीं। ये देखिए, पहले से स्पष्ट किया गया था और एनटीए ने माना था, ये स्वीकार किया था कि गड़बड़ी तो हुई है। शिक्षा मंत्री ने भी शुरुआत में तो कह दिया था कि नहीं, नीट एकदम नीट है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन आखिरकार जब साक्ष्य सामने आए, आरोपियों ने कबूल किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री ने भी मान लिया कि हाँ गड़बड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर ये जो 1563 छात्र थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए चॉइस है कि वो क्या दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं या फिर नहीं, ये उनके लिए चॉइस छोड़ी गई थी। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब इस बात को लेकर कहा गया था। अब ऐसे में ये मान लिया जाए कि 1563 में से कुछ ऐसे छात्र रहे जो नहीं पहुंचे, यानी कहीं ना कहीं वो ग्रेस मार्क्स से सेटिस्फाइड रहे। बिल्कुल चारू, देखिए 813 जो परीक्षार्थी थे वो पहुंचे थे, लगभग ये 52% था, और लगभग 750 यानी कि 48% परीक्षार्थी ऐसे थे जो एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंचे तक भी नहीं। बहरहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। जमानत पर रोक के विरुद्ध केजरीवाल गए सुप्रीम कोर्ट, और इस खबर को जगह दी गई है दैनिक जागरण में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अब चुनौती दी है। आपको बता दें कि नियमित जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया है। याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कल सुनवाई की मांग की है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत दे दी थी, लेकिन उस जमानत पर स्टे लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिसके बाद अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनका कहना है कि इस मामले में अब एक बार फिर से सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को रिहाई यानी कि जमानत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये आपको याद होगा कि जब निचली अदालत से राहत मिल गई थी, और उसके बाद देखिए इस खबर को नवभारत टाइम्स ने भी छापा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ ये मामला है तो इसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं की ही गई हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्पष्ट आपको याद होगा कि जिस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी गई थी निचली अदालत की ओर से, लेकिन निचली अदालत ने जमानत दे दी अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद दीदी पहुँच गई हाईकोर्ट। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह सवाल किया कि अभी तो ऑर्डर कॉपी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उससे पहले आप हाईकोर्ट चले गए हैं, तो क्या आप ये सब सरकार के कहने पर करें? यहाँ तक कि आपको याद होगा संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि मोदी जी की ईडी आखिर हाईकोर्ट कैसे पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को, कि शायद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिली, तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के कहने पर, क्योंकि ईडी इस जमानत को लेकर विरोध कर रहा था, तो ऐसे में इस मामले में अब दोबारा सुनवाई की मांग की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से, क्योंकि फिलहाल उनकी रिहाई जो है उसे टाल दिया गया है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। आपका ही और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। पानी दिलाने तक जारी रहेगा आतिशी का अनशन। तो देखिए, आतिशी जो हैं फिलहाल वो अनशन पर हैं और लगातार विरोध किया जा रहा है दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर। जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। बिल्कुल, आतिशी ने ये साफ किया है कि वो सिर्फ पानी पिएंगी और कोई अन्न ग्रहण
नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार लगातार इस चीज़ को मुद्दा बना रही है कि हरियाणा सरकार आखिर दिल्ली वालों को पानी क्यों नहीं दे रही है। इस मुद्दे पर आपको याद होगा कि एलजी से भी कल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की थी, यानी दिल्ली सरकार के चेहरे रहे जो मुलाकात के दौरान रहे, और एलजी ने आश्वासन दिया है कि पानी मिलेगा। लेकिन आतिशी रविवार को उनके अनशन का तीसरा दिन था और उन्होंने ये कहा कि जब तक हरियाणा पानी नहीं देगा तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जो है वो इसी तरह जारी रहेगा, वो सिर्फ पानी पिएंगी, अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। लेकिन एक आरोप भी लगाया, उन्होंने कहा कि जब से अनशन शुरू किया गया है तब से हरियाणा जो पानी पहले दे रहा था उसमें भी कमी कर दी गई है। बिल्कुल, तो देखिए हरियाणा को लेकर लगातार शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार कई सवाल खड़े करती रही है। आपको याद होगा जब दिल्ली में जल संकट गहरा रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे हिमाचल प्रदेश को कि 137 क्यूसेक पानी वो छोड़े, और ऐसे में हरियाणा जो है उस पानी को दिल्ली तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन उस दौरान जब निर्देश दिए गए और सुनवाई खत्म हुई तो हरियाणा का कहना था कि हमारी ओर से पानी छोड़ा जा चुका है, जबकि दिल्ली सरकार का ये कहना था कि पानी अब तक नहीं पहुंचाया गया है हरियाणा की ओर से। और ऐसे में आम आदमी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं ने हरियाणा जाकर वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया था, और अब भी अगर सवाल के घेरे में कोई है तो वो है हरियाणा सरकार, क्योंकि उन पर दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि वो पानी दिल्ली की जनता को उपलब्ध नहीं करा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते चारों बिल्कुल, देखिए पानी पर एलजी ने बातचीत की हरियाणा के मुख्यमंत्री से, और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मदद का आश्वासन दिया है। इस खबर को कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक राज्य की बात है, वो राज्य जहाँ पर पानी का फिलहाल अकाल पड़ गया। हालांकि मानसून के आने से ये माना जा रहा है कि इससे राहत जो है वो मिलेगी, लेकिन ये राहत कब मिलेगी? फिलहाल ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने बातचीत की और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जरूर बातचीत भी की जाएगी और राहत दी जाएगी दिल्ली वासियों को। बिल्कुल, देखिए नायब सिंह सैनी की ओर से साफ तौर पर आश्वासन दिया गया है कि वो दिल्ली सरकार का सहयोग करेंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है और लिखा है दिल्ली एलजी स्पीक्स टू हरियाणा सीएम आफ्टर आम आदमी पार्टी डेलीगेशन मीट्स हिम ओवर वाटर क्राइसिस। तो देखिए आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने यानी दिल्ली सरकार की ओर से खासकर मंत्री जो हैं सौरभ भारद्वाज वो भी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, आतिशी अनशन पर हैं। और यहाँ पर देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत की तो नायब सिंह सैनी ने यह आश्वासन दिया है कि पानी की ये जो क्राइसिस है इसे दूर किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए रविवार को आप सांसद और विधायकों और साथ ही पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मानसून आने तक कुछ दिनों के लिए हरियाणा सरकार से अतिरिक्त पानी के लिए अनुरोध करने का आग्रह जो है उपराज्यपाल से किया है। बैठक में आप सांसद और विधायकों ने एलजी से अनुरोध किया कि वो बारिश मानसून आने तक कुछ दिनों के लिए हरियाणा सरकार से अतिरिक्त पानी के लिए अनुरोध करते, और ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि वो को पानी उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल, देखिए एलजी ऑफिस की ओर से ये कहा भी गया कि देखिए वक्त बदल चुका है, हालात भी बदल चुके हैं, पॉपुलेशन बदल चुकी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पानी उसी प्रोपोर्शनेट में यानी उसी प्रोपोर्शन में दिया जाए, क्योंकि स्थिति जो है बदल चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। और ऐसे में एलजी वीके सक्सेना की ओर से जिस दौरान आम आदमी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो पहुँचा था बातचीत करने के लिए आतिशी, क्योंकि देखिए एक तरफ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार लगातार ही कह रही है कि हरियाणा सरकार की ओर से गड़बड़ी की जा रही है, हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है। तो एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात कर ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप बातचीत करिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से। दरअसल एलजी जो कि केंद्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत की और इसके बाद हरियाणा से आश्वासन दिया गया है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज है यानी जो बेस्ट पॉसिबल तरीके से हेल्प की जा सकती है वो हेल्प की जाएगी। बिल्कुल, खबरों में बढ़ते हैं आगे। शाह ने बाढ़ नियंत्रण के लिए झीलों के निर्माण और इसरो डेटा के उपयोग का आह्वान किया है और इस खबर को जगह दी गई है द इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 5 पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को निर्देश दिया कि बार बार
आने वाली बाढ़ से निपटने और कृषि, सिंचाई और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी को मोड़ने के लिए भारत के पूर्वोत्तर में कम से कम 50 बड़ी झीलें खोदनी होगी। उन्होंने भारतीय मौसम विभाग और केंद्र जल आयोग से बाढ़ की भविष्यवाणी करने में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों को जल्द से जल्द फिर से तैयार करने को कहा है। मानसून के दौरान बाढ़ की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने बाढ़ और जल प्रबंधन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रदान की गई उपग्रह इमेजरी के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया। बिल्कुल देखिए, और इमेजरी के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया गया है। साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झीलों की खुदाई काफी महत्वपूर्ण है अगर बाढ़ जैसी स्थिति से निपटना है तो। बिल्कुल देखिए, इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है और यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, अमिड नॉर्थ ईस्ट फ्लड फ्यूरी शाह रिव्यूज मॉनसून प्रिपेयर्डनेस। यहाँ पर देखिए, अमित शाह ने इस चीज़ का जिक्र किया है क्योंकि अब देखिए गर्मी से लोग बेहाल तो रहे हैं, लेकिन अब बात होने लगी है किसकी, मानसून की। क्योंकि मानसून में भी हमने देखा है कि स्थिति किस तरह से खराब हो जाती है, बाढ़ आने लगती है। अब ऐसे में उसको लेकर क्या अरेंजमेंट्स हैं, उस पर तो अमित शाह ने बातचीत की ही। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मपुत्रा नदी को आपने देखा कि किस तरह से फैली हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हमें फ्लड कंट्रोल करना है या फिर बाढ़ की जो स्थिति है उसको नियंत्रण करना है तो फिर हमें झील खोदनी पड़ेगी ताकि पानी जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सके। क्योंकि बाढ़ की वजह से आपने देखा कि स्थिति कितनी खराब हो जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, कई जगह पर कटाव देखने को मिलता है, घर के घर समा जाते हैं, जानमाल का नुकसान तो होता ही है, व्यक्तिगत तौर पर भी आप समझिए कि कितना नुकसान उन लोगों को होता है जो कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अब ऐसे में ये स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि बाढ़ को लेकर क्या किया जा सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबल थिंग्स हैं, उनको लेकर अमित शाह ने बकायदा बैठक की है, चर्चाएं करी हैं इस पर। और उसमें फिर ये निकला है कि कोई ना कोई या किसी ना किसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियल चीजें हमें क्रिएट करनी होंगी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस तो हम देख रहे हैं कि बाढ़ आएगी जब मॉनसून होगा, लेकिन ऐसे में आर्टिफिशियल सोर्सेस क्या हैं जिनके जरिए बाढ़ को रोका जा सकता है, यानी झील बनानी होंगी ताकि पानी वहां पर स्टोर हो जाए और इससे बाढ़ की स्थिति ना बने, तो इन तमाम चीजों पर भी चर्चा की गई अमित शाह के द्वारा। बिल्कुल देखिए, बाढ़ से निपटने के लिए दूरगामी नीतियां तैयार करनी होगी, ये अमित शाह की ओर से कहा गया है। साफ तौर पर शाह ने कहा कि केंद्र जल आयोग के बाढ़ निरीक्षण केंद्र आवश्यकता के अनुरूप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए और गृह मंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से विकसित मौसम, वर्षा और बाढ़ चेतावनी संबंधित ऐप को एकीकृत किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। बैठक में केंद्र गृह सचिव, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, पृथ्वी विज्ञान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव सहित कई संबंधित विभागों के प्रमुखों ने भाग लिया था, जिसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि बाढ़ से निपटने की हर एक संभव कोशिश हर एक पदाधिकारी और हर एक मंत्रालय की ओर से की जाए। बहरहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे चारों। बिल्कुल, राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। 18वीं लोकसभा में रायबरेली से सांसद के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखा, जिसका उन्होंने 2019 से 5 साल तक का प्रतिनिधित्व किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों से जीतने के बाद उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़ने की उम्मीदें हैं। वायनाड के लोगों को अपना परिवार बताते हुए श्री गांधी ने उन्हें प्यार और सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद दिया। बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी ने फिलहाल वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, वहाँ से चुनाव जीत भी गए और उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों पर चुनाव जीतने के बाद अब ये तय हुआ है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि वायनाड से सीट जो है राहुल गांधी छोड़ देंगे और उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। हालांकि उससे पहले उन्होंने वायनाड की जनता का धन्यवाद किया, उनके प्रेम के लिए, उनके स्नेह के लिए उन्होंने धन्यवाद किया है। बिल्कुल देखिए, ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन सी सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे
और कौन सी सीट वो रखेंगे। तो ऐसे में देखिए सस्पेंस तो क्लियर हो ही गया था जिस दौरान ये पता चला कि अब दरअसल प्रियंका गांधी हैं जो कि चुनाव लड़ने वाली हैं वायनाड से। ऐसे में उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी का नाम तो सामने आ गया है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से एक लेटर लिखा गया है वायनाड की जनता के लिए और उसके लिए धन्यवाद अदा किया गया है। इतना प्यार जो 2019 में दिया गया, 2024 में भी दिया गया, लेकिन वायनाड की सीट छोड़ने का उन्हें गम भी है, उन्हें तकलीफ भी है, ऐसा भी जिक्र राहुल गांधी की ओर से किया गया था। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे। मायावती ने भतीजे आकाश को फिर बना दिया है उत्तराधिकारी और ये काफी बड़ी खबर है। राष्ट्रीय समन्वयक का पद सौंपा गया है, तो फिलहाल देखिए ये काफी महत्वपूर्ण खबर क्योंकि बसपा की ओर से जो जानकारी सामने आई है उत्तराधिकारी जो है वो बनाया गया है आकाश को। गोलाकाश आनंद को देखिए आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कुछ बयानबाजियों की वजह से ऐसा रहा देखने को मिला कि नाराजगी मायावती की आकाश आनंद के प्रति रही और उसके बाद उन्होंने तमाम पदों से उन्हें हटा दिया था। अब ऐसे में देखिए आप यहां पर ये स्पष्ट देख सकते हैं कि मायावती ने भतीजे को फिर बनाया उत्तराधिकारी, राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है और यहां पर इसे अलग अलग अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। और देखिए आकाश 47 दिनों में परिपक्व, मायावती ने बनाया उत्तराधिकारी। अब देखिए यहां पर परिपक्व क्यों कहा गया ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस दौरान मायावती ने सभी पदों से आकाश को हटाया था तो ये कहा गया था कि अभी वो उतने तरह से परिपक्व नहीं है, यानी पूर्ण तरह से परिपक्व नहीं है और इसीलिए उन्हें उत्तराधिकारी के पद से हटाया गया है, तमाम पदों से हटा दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ 47 दिनों में आकाश इतने परिपक्व हो गए कि वो पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सके, वो पार्टी जो कि बाकायदा सत्ता में रही है, मायावती मुख्यमंत्री रही है, वो BSP जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके उत्तराधिकारी बनने के लिए क्या महज 47 दिनों में आकाश आनंद इतने परिपक्व हो गए? बिल्कुल, देखिए मायावती ने रविवार को लखनऊ में बसपा को लेकर एक बड़ी बैठक की थी जिस दौरान मायावती ने कहा कि केंद्र की NDA सरकार स्थिर नहीं है, ऐसे में BSP के संगठन को मजबूत करके जनाधार को युद्ध स्तर पर बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे और हर स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने संविधान बचाओ जैसे मुद्दे भी उठाए और इस तरह के गलत प्रचार से लोग गुमराह हुए हैं और अपनी पार्टी को नुकसान हुआ है। BSP ने सदस्यता शुल्क 200 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया है और फैसला हुआ कि BSP इस बार UP का उपचुनाव मजबूती से लड़ेगी, किसी राज्य में चुनाव पूर्व गठबंधन वो नहीं करेगी। यानी कि बसपा जो है वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी और साफ कहा गया कि उपचुनाव भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बीजेपी सरकार बनाएगी चुनाव प्रभारी चौहान। तो देखिए फिलहाल झारखंड में चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारी खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया है और उन्होंने रविवार को रांची में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह दर्शाता है कि पार्टी झारखंड में सरकार बनाएगी। वो अपने सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने फैसला किया है कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए सरकार बनाने का दावा एक बार फिर से बीजेपी की ओर से किया जाने लगा है। झारखंड में सरकार बनाने का दावा किया गया है और शिवराज सिंह चौहान जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा सरमा, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी और सरकार बनाने का दावा देखिए यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए शिवराज सिंह चौहान जो हैं अब झारखंड की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे और चुनाव प्रभारी क्योंकि उन्हें बनाया गया है तो एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड में जीत की उन पर जरूर होगी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने भी कहा है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आगामी चुनाव जो है वो हम लड़ेंगे और उनके साथ मिलकर झारखंड में जीत दर्ज करने की देखिए हर संभव कोशिश होगी। और द हिंदू अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है, जरा एक बार आपको वो
जो न्यूज है वो भी दिखा देते हैं, खबर जो है दिखा देते हैं। देखिए फिलहाल आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान जिन्हें की कृषि विभाग भी सौंपा गया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी विल फॉर्म गवर्नमेंट इन झारखंड, सेज इलेक्शन इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान। इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने ये जीत का दम भरा है कि बीजेपी झारखंड में सरकार इस बार जरूर बनाएगी। देखिए अगर हम बात करें तो झारखंड में इस बार यानी कि 2024 में ही विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार झारखंड में हम सरकार गठित करें, भारतीय जनता पार्टी की जीत झारखंड में हो पाए। देखिए बिल्कुल हाल में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, झारखंड में भी होने हैं और इसके साथ साथ हरियाणा में भी होने हैं, महाराष्ट्र में भी होने हैं। अब ऐसे में अभी से देखिए बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। अभी आपने ये भी देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके साथ ही बीजेपी इलेक्शन मोड में जुट चुकी है विधानसभा चुनाव के लिए। झारखंड को लेकर अभी दावा किया जा रहा है कि झारखंड में एक बार फिर से सरकार बनाएगी बीजेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के साथ समझौते पर बंगाल से सलाह नहीं ली गई, द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार की आलोचना की कि उसने 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण के लिए बांग्लादेश के साथ बातचीत शुरू करने का फैसला लेने से पहले राज्य से परामर्श नहीं किया। तृणमूल की ओर से यह आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच संधि समेत कई मुद्दों पर एक बातचीत के एक दिन बाद आई है। राज्यसभा में तृणमूल के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि राज्य संधि का पक्ष है लेकिन उससे परामर्श नहीं किया गया। देखिए वेस्ट बंगाल नॉट कंसल्टेड ऑन वाटर पार्क विद बांग्लादेश, टीएमसी की ओर से ये बयान दिया गया और साफ तौर पर आरोप भी लगाए गए हैं। देखिए साफ कहा गया कि बांग्लादेश के साथ जो इस बार चर्चा हुई और बातचीत की गई लेकिन ऐसे में वाटर इंपैक्ट को लेकर जो फैसला लिया गया इससे लेकर टीएमसी से कोई भी सलाह नहीं ली गई, ना ही टीएमसी से कोई ऐसी खास बातचीत की गई है। बिल्कुल देखिए चलिए खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। प्रज्वल का भाई सूरज यौन शोषण में गिरफ्तार किया गया है, दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अश्लील वीडियो मामले में जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया। सूरज पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई हैं जिन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। सूरज रेवन्ना पर कुछ दिन पहले एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ कथित यौन शोषण के आरोप में शनिवार को मामला दर्ज किया गया था। तो देखिए प्रज्वल रेवन्ना के बाद प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है। तो प्रज्वल का भाई सूरज कार्यकर्ता से दुराचार के केस में गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल देखिए और चारुल ये खबरें कल ही सामने आने लगी थी, प्रज्वल का भाई सूरज कार्यकर्ता से दुराचार के केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सूरज रेवन्ना को, प्रज्वल रेवन्ना आपको ये नाम तो याद होगा ही, जिन पर आरोप लगा था कि वो महिलाओं का शोषण करते हैं, ऐसे में सूरज जो है इन पर भी आरोप लगा है कि ये कार्यकर्ता से दुराचार कर रहे थे और ऐसे में इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया था। जेडीएस से विधान परिषद सदस्य हैं सूरज रेवन्ना, जिनको पार्टी कार्यकर्ता से दुराचार के आरोप में रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरज पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई हैं जो कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में पहले ही जेल जा चुके हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर सूरज पर भी आरोप लगा है। प्रज्वल रेवन्ना का मामला आप सभी को याद होगा कि किस तरह से उस पर आरोप लगा था, महिलाओं के कथित स्कैंडल यानी कथित एमएमएस का जो आरोप लगा था उसके बाद हालांकि ये भी मुद्दा बना, विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था प्रज्वल रेवन्ना केस को, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जीत गए। अब ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना के भाई को भी गिरफ्तार किया गया और आरोप है कि पार्टी की कार्यकर्ता के साथ कथित दुराचार जो है वो किया गया सूरज की ओर से। एक के बाद एक परिवार का नाम जो है वो इस तरह की खबरों में सामने आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बल का ट्रक उड़ा दिया, दो का बलिदान इस दौरान हुआ है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर रविवार को नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सिलगेर और टेकल गुडम के बीच नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों के ट्रक को आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया।
बिल्कुल देखिए, और ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि नक्सलवाद किस तरह से भारत में पनप रहा है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि हम अंकुश लगाएंगे, लेकिन सुकमा में कैंप में राशन लेकर जा रहे ट्रक को नक्सलियों ने पहले निशाना बनाया और फिर ब्लास्ट कर उसे उड़ाने का काम किया। सीआरपीएफ के दो जवान इसमें शहीद हो गए। सुकमा जो झारखंड का एक जिला है, यहाँ पर नक्सलियों ने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल देखिए, इस ब्लास्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के दो जवान शहीद हो गए। कहा जा रहा है कि जगरगुंडा क्षेत्र स्थित सिलगेर कैंप से 201 कोबरा वाहिनी के जवानों का मूवमेंट हो रहा था और इस दौरान ट्रक और बाइक से टेकल गुडेम की ओर ये जा रहे थे। वहां पर रास्ते में नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा था। दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही जवानों से भरा ट्रक वहां से निकला, आईडी की चपेट में आ गया। ऐसी घटनाएं जो हैं वो पहले भी होती रही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस का माना जाता है। इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से, देखिए, कोई जो असामाजिक तत्व हैं या आतंकी हैं वो लोग आईडी प्लांट कर देते हैं और उसके बाद हमें अपने जवानों को खोना पड़ता है। तो यानी बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस का यहाँ पर आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आई है। जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई तो मारकर उन्हें दफना दिया गया। बेहद ये दर्दनाक मामला है, खबर है, और बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित पूटकला गांव में जन्म के 2 दिन बाद ही जुड़वा बच्चियों को मारकर दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों नवजातों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बच्चियां थी, वो लड़कियां थी और उन्हें दफनाया गया। दोनों नवजात का कसूर सिर्फ इतना था कि दोनों लड़कियां थीं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद करीब 20 दिनों बाद बच्चियों की माँ और उसके भाई की शिकायत पर सुल्तानपुरी थाने में मामला दर्ज फिलहाल कराया गया है। बिल्कुल देखिए, ये भारत है, आधुनिक भारत और देश की राजधानी से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। जुड़वा बेटियां पैदा हुई तो मारकर दफना दिया, तो इसलिए देखिए कहीं ना कहीं ऐसी खबरें होती हैं जो इंसान को छोड़ कर रख देती हैं कि आज भी बेटी होने का दंश नवजातों को झेलना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई अड्डे पर बम की धमकी वाला ईमेल भेजने के आरोप में एक और 13 वर्षीय लड़का गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा है और पुलिस ने रविवार को बताया कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 13 वर्षीय नाबालिग को हवाई अड्डे पर एक ईमेल भेजने के आरोप में पकड़ा गया, जिसमें उसने झूठा दावा किया था कि 17 जून को दुबई जाने वाली एक उड़ान में बम रखा गया है। आईजीआई हवाई अड्डा उषा रंगनानी ने बताया कि लड़के को पकड़ लिया गया है और बाद में उसके माता पिता को सौंप दिया गया। डीसीपी ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले एक अन्य किशोर द्वारा बम की धमकी देने की झूठी खबर से प्रभावित होकर सिर्फ मनोरंजन के लिए ये ईमेल भेजा था। बिल्कुल देखिए, एक 13 साल के लड़के ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी एयरपोर्ट को ईमेल के जरिए, और ऐसे में अब जानकारी ये निकल कर सामने आई है कि ये जो धमकी दी गई थी मेल के जरिए, ये मस्ती मजाक में 13 साल के एक लड़के ने, एक बच्चे ने भेजा था, जिसे गंभीरता से लिया गया। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बच्चों को भी थोड़ा समझाने की ज़रूरत है कि उनके एक मेल के जरिए, उनके एक मजाक के जरिए आखिर कितने लोगों को खतरा हो सकता था और डर हो सकता था। इसरो ने किया कमाल, पुष्पक की लगातार 3री सफल लैंडिंग हो गई है। तो इसरो ने देखिए कमाल कर दिया है, इसरो की लगातार 3री बार सफल लैंडिंग हो गई है। इसरो देखिए, कहा जा सकता है कि 2023 और 24 तो इसरो के नाम ही रहा है, एक के बाद एक कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं इसरो ने, और ऐसे में इसरो को एक और उपलब्धि मिली है। तो देखिए, ये खबर जो है दैनिक जागरण में छपी है, इसमें आप देखेंगे एक बिग हेडलाइन बनाया गया है इसे, क्योंकि इसरो ने फिर किया कमाल, पुष्पक की लगातार 3री सफल लैंडिंग हुई है। पुष्पक की ये लगातार 3री सफल लैंडिंग हुई है तो काफ़ी ज़्यादा इसरो जो है वो खुश नज़र आया। देखिए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का
अंतरिम जो परीक्षण है वो कर लिया है और अब ये जो अंतिम परीक्षण था इसे भी सफलतापूर्वक इसरो ने पूरा किया है। बिल्कुल, वर्षों के बाद रूस ने भारत के साथ हस्ताक्षरित होने वाले लॉजिस्टिक्स समझौते के मसौदे को मंजूरी दे दी है। द हिंदू ने इस खबर को छापा है। कई सालों तक अटके रहने के बाद भारत रूस आपसी रसद समझौता निष्कर्ष के लिए तैयार है। रूस ने पिछले सप्ताह मसौदा समझौते को मंजूरी दी। ये समझौता अभ्यास, प्रशिक्षण, बंदरगाह, कॉल और मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों के लिए सैन्य से सैन्य आदान प्रदान को सरल बनाएगा और ये ऐसे समझौतों की एक श्रृंखला है जिन पर भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ शुरुआत करते हुए कई देशों के साथ हस्ताक्षर किए। रूस की आधिकारिक कानूनी सूचना वेबसाइट पर 20 जून को एक आधिकारिक आदेश प्रकाशित किया गया था जिसमें भारत के साथ रसद समझौते पर हस्ताक्षर करने को अधिकृत किया गया। समझौते का मसौदा भी प्रकाशित किया गया। आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक राजनयिक सूत्र ने बताया है कि ये रूसी सरकारी आदेश है जो समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी देता है और एमओडी यानी रक्षा मंत्रालय को प्रासंगिक निर्देश देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां आईएमजी ने अनुमान जताया कि सप्ताह भर बादल छाए रहेंगे, अत्यधिक गर्मी की वापसी नहीं होगी। तो देखिए, गर्मी से राहत आपको मिलेगी। रविवार को राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे एक और दिन बारिश वाला रहा, लेकिन अधिकतम जगहों पर जो है वो बारिश हुई है जिससे ये दिन उमस भरा भी रहा, जबकि लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा है और लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत इसलिए मिलती नजर आ रही है क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश हो रही है तो कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है और ऐसे में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। चारण, बिल्कुल, देखिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कंगारू ने अफगानिस्तान से बदला लिया है, अब भारत की बारी है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कल यानी सोमवार आज 24 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत होनी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच करो या मरो से कम नहीं है। इस मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो फिर सेमीफाइनल में पहुंचने की इसकी उम्मीद बेहद कम हो जाएगी। टीम इंडिया के पास कंगारुओं से 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में मिली हार का बदला लेने का मौका है। अगर रोहित शर्मा की सेना सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और अफगानिस्तान की टीम सुपर 8 का अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीत लेती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए कंगारुओं ने फिलहाल अफगानिस्तान से बदला ले लिया है, अब भारत की बारी है और ऐसे में इंतजार मैच का है। फिलहाल हमारे साथ इस खास बुलेटिन में सुर्खियां अखबार में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।